पापा, वो फ्लाइट में था इसलिए आपकी कॉल पिक नहीं कर पाया। जैसे ही लैंड हुआ फिर ज्योति ने बताया, फटाफट से आया मैं। क्या कहा डॉक्टर ने? पैसा अच्छा कमा लिया तुमने, घर प्रॉपर्टी सब बना लिया। आप लोग बात करिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। एक बात बोलूं पापा, जब इंसान तरक्की करता है, आगे बढ़ता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है। लेकिन आपको तो मैंने कभी खुश देखा ही नहीं है। हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ नाराजगी। नाराज कर दिया ना ज्योति को आपने। ऐसा क्या करूं जिससे खुशी मिले आपको? सर, ये कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन हैं, प्लीज जाके अर्जेंटली ले आइए। हाँ। नहीं, तू रहने दे, ये मैं लेकर आता हूं। तू थोड़ी देर अपनी मां के पास बैठ। तेरी मां ने तुझे कुछ मैसेज किए होंगे, अगर थोड़ा वक्त मिले तो पढ़ लेना। बेटा, तेरी बहुत याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ तो इतना बड़ा ही ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर दूसरे ही पल ख्याल आता है कि कितनी स्वार्थी माँ हूँ मैं जो ऐसा सोच रही हूँ। बस फिर खुद को इन ख्यालों से निकाल लेती हूँ। जिंदगी भी कितनी छोटी है ना बेटा, पता ही नहीं चलता कब निकल जाती है। तेरा बचपन तुझे संभालने में निकल गया, समझदार हुआ तो पढ़ने लिखने बाहर चला गया, सोचा शादी के बाद साथ रहेगा, लेकिन तूने तो पहले ही अलग रहने का इंतजाम कर लिया। लेकिन अच्छा है, आज तेरे पास तेरा घर, गाड़ी, सब कुछ है, यही तो कामयाबी की निशानी है ना। पर तुझे नहीं लगता इस कामयाबी में थोड़ी सी जगह माँ बाप की भी हो सकती है? तू कभी मिलने नहीं आया, फोन भी नहीं किया। क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए था बेटा, बस थोड़ा सा तू चाहिए था। तेरे पापा बहुत अकेले हैं, मुझे तो तू नहीं मिल सका, पर अपने पापा को जरूर मिलना, थोड़ा ही सही पर मिलना जरूर। ढेर सारा प्यार। तुझसे ही तो आता है मुझ में नूर सारा, ऐसी तेरी रोशनी। तुझसे ही तो रोशन है आसमान सारा, ऐसी तेरी चांदनी। ऐसे ही रहना रूबरू, छोड़ न जाना साथ मेरा, मेरे चंदा छुप न जाना इन बादलों में कहीं, मेरे चंदा चंदा तेरी याद सताए, भूलूं मैं तुझको कैसे चंदा है, मेरे चंदा छुप ना जाना इन बादलों।
जाना।